वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। ये एक्चुअली एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हमारी। कोल्हापुर जा रहे हैं अभी हम, सुबह के 5 बज रहे और इस सीरीज में तो मतलब हद से ज़्यादा धमाल होने वाला है, क्योंकि कोल्हापुर तो मतलब क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट है वो। तो कोल्हापुर तो जाके मतलब इतने सारे डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं और वहाँ के भी आपको सभी स्पेशल कुछ चीज़ें बताएंगे वहाँ जाके। होम टाउन है वो, होम टाउन है। और NH-48 तो मतलब ऐसा हम लाखों बार गए उस पर, तो कोई उस पर दिक्कत नहीं है। तो अभी निकलेंगे यहाँ से और वहाँ जाके धमाल करेंगे। यहाँ से गए थे सीधा हम वाड़ी के लिए निकल रहे, और वाड़ी के बाद कनेरी मठ जाएंगे, वो तो हम फिर आपको टाइम पे बता नहीं रहे। क्या है मम्मी, ऐसे रोड से जाने वाले? मतलब क्लास रोड से जाने वाले गाइस, लिटरली ऐसे ना ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं हम। अभी 30 किलोमीटर आ गए होंगे हम पूना से यहाँ तक वारजे से, लेकिन इतने मक्खन रोड से मैं बता रहा हूँ आपको। NH-48 की क्वालिटी मतलब छप्पर फाड़ हो गई है। अब कितने मिनट लगे हम आने में यहाँ तक? हमें 20 मिनट लगे ना। मतलब इतना मतलब बेहतर कह ही नहीं सकता, वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता उसे, इतना बढ़िया क्वालिटी। कर्नाटका में जो होते हैं ना रोड्स, वैसे रोड्स। पहुँच गए गाइस, मतलब फिरंग घोड़ा पहुँच गए। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अंदर मस्त दाने लगा के रखे, लेकिन वो कॉपीराइटेड है अरिजीत सिंह के। ये सबसे पानी जो हाँ उसकी वजह से ठंडक आती है, और क्या ठंडक आती है, और थोड़ा ऐसा दिखने में अच्छा दिखता है। अभी हवा में ठंड बहुत है गाइस, चले बर्बन लेके एक चाय पीने तक शुरू हो गई। ठंड में ये मुझे बहुत मजा आता था पहले, है ना। चलती तो ऐसे वहाँ पाती थी कुछ टाइम, वो मुझे भी ऐसा ही मैजिकल लगता। चलो चले, सुबह हो गए गाइस प्रॉपर इतना। जब तक मुझे तो लगता है ये भाप मुँह से आती नहीं ना, तब तक ठंड शुरू ही नहीं। अभी तो जाने वाली पूरा ठंड का ही स्टेशन है, उसमें जाता ही रहे। हीटर ऑन किया तो अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बाहर ठंडी अंदर गर्मी, हीटर ऑन किया अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये
इसी के लिए मैंने गाड़ी में जगह रहने को बोला है सबको। देखो 9:30 बज गए, क्या होता है ऐसे एक झपके ली तो कोल्हापुर पहुंच गए। ऐसा हो रहा है, इसलिए हम निकले थे 5 बजे और 9:30 बजे वाड़ी में पहुंच गए। मतलब मेरे एक दिमाग में आया था जब हम पूना में थे तब कि रात हो जाएगी पहुंचने में वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में सोचा कि ये इधर ही तो है कोल्हापुर, ऐसा बगल में ही तो कोल्हापुर है, इसलिए ठीक है बोला। अभी यहाँ से हम वाड़ी करेंगे और आगे कनेरी मठ है, बहुत सारी जगह है आगे जान के लिए। एक्चुअली यहाँ पे खाना होगा, मतलब लंच होगा, ऐसे पकड़ के चले थे, लेकिन ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है अभी तो ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे तो जोर से। यहाँ पे ये सब मिलता है ना घर की चीज़ वगैरह, बहुत ही अच्छा, ये मुझे तो ऐसा ही पसंद है। कोल्हापुर वडापाव एकदम फर्स्ट क्लास नाश्ता हुआ, टेस्टी थी। यहाँ से अभी जा रहे हैं दर्शन लेने का। देखो आज ये ऐसा ही चल रहा है गाइस, मतलब दिन भर एक मॉम का आता है एक बार डैड का आता है, वो सभी कोल्हापुर को इतने दोनों के फ्रेंड्स है, क्या कहे। तो वही मतलब गाइस मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाके वही होने वाला है, मीटअप ही होने वाला है। बढ़िया दर्शन हुआ गाइस। अभी यहाँ का बोटिंग का दिख रहा है कुछ, तो वो भी देखते हैं जरा क्या है बोटिंग का। अभी डैड पूछने गए कैसा है क्या है। कॉमन होगा तो नहीं बैठेंगे, कॉमन होगा तो नहीं बैठेंगे क्योंकि सेपरेट में थोड़ा अच्छा लगता है ना। पंढरपुर में हमने किया था उस टाइप में चाहिए, एक ही है एक बोट है गाइस, सिर्फ नदी इतनी बड़ी है लेकिन बोट एक ही है। देखते है क्या होता है। इस ब्लॉग को तो यही पे एंड करते है, अगर गए बोटिंग में तो नेक्स्ट व्लॉग में पता चली जाएगा आपको। गाइज नए हुए चैनल पे सब्सक्राइब करना, ये सीरीज तो अपने जो 3 सीरीज हुए पहले सबसे धमाल होने वाली है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते ही है। बाय।